नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह ने चढ़ती कला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी को माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री मिलने पर उन्हें हार्दिक बधाई भेजी है। शाह ने पत्रकारिता के क्षेत्र में सरदार जगजीत सिंह दर्दी की तरफ से निभाई गई सेवाओं की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार दर्दी को भेजे गए पत्र में लिखा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी हुई है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आपके लोक प्रेरक जीवन और नई पीढ़ी के मार्गदर्शन के संदर्भ में डाले गए वर्णन योग्य योगदान के लिए आपको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। शाह ने कहा कि उन्हें इस बात की भी खुशी है कि सरदार दर्दी पंजाबी मीडिया और शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। शाह ने कहा कि सरदार दर्दी के मौलिक योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। अमित शाह ने सरदार दर्दी को गौरखपुर पुरस्कार के लिए दिल से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरदार दर्दी अपनी संकल्प यात्रा पर निरंतर गतिमान रहे और उनका विश्वास है कि सरदार जगजीत सिंह दर्दी समाज के लिए प्रेरणा बनकर नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे। देश में एक बार फिर से बढ़ते केस पर जहां सरकार ने पाबंदियों का सिलसिला जारी कर दिया है, वहीं कोरोना वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार कोरोना वैक्सीन के लिए किसी को भी बाध्य नहीं कर सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सरकार नीति बना सकती है और बड़े सार्वजनिक अच्छे और स्वास्थ्य के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है, लेकिन वर्तमान वैक्सीनेशन नीति को अनुचित नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह अदालत संतुष्ट है कि वर्तमान वैक्सीन नीति को स्पष्ट रूप से मनमानी नहीं कही जा सकती। अदालत के पास वैज्ञानिक सबूतों पर फैसला करने की विशेषज्ञता नहीं है। अगर कोई स्पष्ट मनमानी हो तो अदालत फैसला दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में सोमवार यानी आज जर्मनी पहुंचे, जहां वह जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे। मोदी ने यहां पहुंचने पर ट्वीट कर जानकारी दी कि वे बर्लिन पहुंच गए हैं और आज चांसलर ओलाफ शोल्स से बातचीत होगी, कारोबारी दिग्गजों से मुलाकात होगी और समुदाय के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेना है। पीएम ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस यात्रा से भारत और जर्मनी के बीच मित्रता प्रगाढ़ होगी। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। चुनावों को अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी से गुजरात चुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भरूच में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में भाग लिया। यह रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने गुजरात में बदलाव की पैर भी की। इसके लिए सीएम केजरीवाल ने दिल्ली और हाल ही पंजाब में बनी सरकार के मॉडल को सरकार के सामने पेश किया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज गुजरात में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ही खराब है, यहाँ 6000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सब बदल सकता है, हमने दिल्ली में यह करके दिखाया है। केजरीवाल ने जनता से कहा कि अगर हम यह ना करें तो हमें बाहर निकाल देना। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर अब दूसरों के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे। रणनीतिकार प्रशांत किशोर राजनीति में अब अपनी अलग पहचान बनाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सोमवार को अपने नए जन स्वराज अभियान का शंखनाद किया है। उन्होंने कहा कि वे इसकी शुरुआत बिहार से करेंगे। उन्होंने सोमवार को ट्वीट किया कि जनता के बीच जाने का समय आ गया है और इसकी शुरुआत बिहार से होगी। पीके ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वे अपनी कोई पार्टी बनाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर अपने नए अभियान का ऐलान किया है। उन्होंने कल लिखा है कि लोकतंत्र का एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीतियों को आकार देने में मदद करने की मेरी खोज ने बीते 10 सालों में उतार चढ़ाव देखे हैं। अब मैं नया पन्ना पलटने जा रहा हूं। अब मुद्दों जन स्वराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर्स यानी जनता के पास जाने का समय आ गया है। शुरुआत बिहार से होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 27 अप्रैल को 1 घंटे तक बहस चली थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सोमवार तक सुरक्षित रखा था। इसके चलते कुमार विश्वास की याचिका को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि रोपड़ में दर्ज की गई FIR पर सुनवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि कुमार विश्वास के खिलाफ रोपड़ में पर्चा दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने चुनाव के समय केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया था और उन्हें अलगाववादी समर्थक कहा था। इसके साथ ही कुमार विश्वास ने खुली बहस की भी चुनौती दी थी।
भारत में कोरोना केसों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 25 अप्रैल से 1 मई तक पूरे देश में 22,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। उससे पिछले हफ्ते के 15,800 केसों से 41% ज्यादा है। सबसे ज्यादा केस दिल्ली, हरियाणा और यूपी में आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच राहत की बात यह है कि कोरोना इस बार अभी तक कम जानलेवा साबित हुआ है। आंकड़ों में बताएं तो 1 मई को खत्म हुए सप्ताह में देश के अंदर कोरोना की वजह से 30 मौतें हुई, जिसके पिछले हफ्ते 29 और उससे पिछले हफ्ते कोविड ने 27 लोगों की जान ले ली। बता दें कि आज सोमवार को फिर से 3,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। हालांकि पिछले 3 दिनों में से नए मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 3,157 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 26 लोगों को कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,723 लोग ठीक हुए हैं और इसके साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या अब 19,500 तक पहुंच गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। चढ़ती कला।